आज का पहला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर व प्रिंटर, कीबोर्ड व माउस, सीडी व फ्लॉपी, स्कैनर व प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस होती हैं मॉनिटर और प्रिंटर। कीबोर्ड और माउस इनपुट हैं, सीडी व फ्लॉपी इनपुट हैं, स्कैनर इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, तो इसका होता है ऑप्शन ए ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। तो राइट क्लिक से हम प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी एएलयू या सीपीयू। तो इसकी किसी भी आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? क्वेश्चन नंबर चौथा, इसके ऑप्शन है स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, एएलयू। तो जो प्रिंटर है ना, वो आउटपुट डिवाइस होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर। तो इसका आंसर है कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आउटपुट डिवाइस संभव बताते हैं, डेटा देखने या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना या डेटा भेजना। तो इसका आंसर है डेटा देखना या प्रिंट करना, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर सेवन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा। तो इसका आंसर है प्रिंटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किस समूह में इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। इसका आंसर है इनपुट डिवाइस में जो है तीनों होती हैं। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो इसका आंसर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे हम गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? इसमें फर्स्ट है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट और आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट एक हार्ड कॉपी आउटपुट होती है, जैसा कि ये मैं प्रिंट निकाल के ले आया हूँ, तो यह एक हार्ड कॉपी है। और इसको मैंने तैयार किया था कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे मॉनिटर पे देखा था तो वह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट था और यह हार्ड कॉपी आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, मॉडिफायर की, फंक्शन की और अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई। तो इनको बोलते हैं मॉडिफायर की, ए फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं, और अल्फा न्यूमेरिकल की होती हैं, अल्फा A से Z तक और न्यूमेरिकल 0 से 9 तक। क्वेश्चन नंबर 13, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, OMR, बारकोड और बाकी ऑप्शन ये हैं, OCR, स्कैनर। तो इसका आंसर है बारकोड, बी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन देखते हैं हम, फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार और एरो। तो इसका आंसर होता है कंट्रोल, यानी ऑप्शन बी सही।
क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? इसका आंसर है बैंक। तो ये थे कंप्यूटर के टॉप 15 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपका कंप्यूटर का नॉलेज बढ़ता रहेगा।